तो चले जी आए पहले, सबसे पहले अपने दिन का आगाज, सफर का आगाज ड्रोन से करते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन ग्रिल है, ग्रिल चिकन है, बिरयानी। आप कैलिफोर्निया आ जाए और वो भी टाइमली आ जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ट्रैफिक ना मिले? हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूं कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। लो जी, जैसा कि आपको पता है कि सायरा ने अभी अभी शिफ्ट ऑफ की है और सुबह सुबह ही पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं। शिफ्ट ऑफ की है जी, मैं थक गई हूँ 11 घंटे चला के जी, तो अब मैं जाने लगी हूँ सोने, तो साथ ही पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं। और ये देखे जी, मेरे हाथ में हम खूबसूरत जगह पे खड़े हैं और ड्रोन का व्यू ना ले कैसे हो सकता है जी। तो चले जी आए पहले, सबसे पहले अपने दिन का आगाज, सफर का आगाज ड्रोन से करते हैं जी। लेट्स सी। हाँ जी, कैसा नजारा है देखा यार, मजा आ गया सहरा के, नहीं क्या व्यू है ना, जबरदस्त। तो ऐसे और भी बड़े पॉइंट है जी, हमारा आना जाना लगा रहेगा यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से धीरे धीरे आपको दिखाएंगे जी, क्योंकि कैलिफोर्निया तो जी हमारा सेकंड होम टाउन बन गया। तो
चले जी, लेह लद्दाख के नाम अपने सफर का आगाज करें। सायरा ने मुझे दिए हैं जी 490 miles, जो कि हम अभी यहाँ पे 10:30 का टाइम है, शाम 5-6-7 बजे तक, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, पहुँच जाएंगे कैलिफोर्निया में। आपको पता है लॉस वेगास की ट्रैफिक पड़ेगी, हमें कैलिफोर्निया की पड़ेगी, और लेट्स सी। तो चले जी, चलते हैं। सहरा ने तो सारा पहाड़ी इलाका कर दिया जी, रात रात भी और सुबह अर्ली मॉर्निंग में। तो हम जी बस, मैं तो अब अलविदा ही कह रहा हूँ पहाड़ों को। देखिए जी, डाउन द हिल स्टार्ट है, स्टीप ग्रेड 5% है यहाँ पे, और बस ये हम उतराई हैं, उतर के यूटा को कह देंगे अलविदा। फिर एरिजोना के थोड़े से पहाड़ आएंगे, उसके बाद से नेवाडा में हम एंटर हो जाएंगे लॉस वेगास। कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस नाइट शिफ्ट का? रात को बारिश भी थी, सब कुछ था ना? अब तो हमें आदत हो गई है यार, अब तो आदत सी है कुछ कोई पहाड़ों में सफर करने का नाइट शिफ्ट की। तो आप सर ऑडियंस को ये भी बता दें कि आप सो क्यों नहीं रहे 11 घंटे की शिफ्ट के बाद? मैं ना इधर टाइम दे रही हूँ काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं डेली व्लॉगिंग के ऊपर। तो बस जी ऐसे ही जी, हमने तो अक्सर की बात की है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं, उसको मद्देनजर रखते पा रहे हैं। मेरी सायरा ऐसा ही है, हमने आपसे बोला हुआ है कि हम जो हम लोग फील करते हैं, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। शौकी नहीं मारेंगे जी, हम फेक चीजें नहीं करेंगे। हाँ 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 कामन जी, वाह 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 वाह। मैं कह रही हूँ, मैंने कामन को बोला, मैंने कहा कामन यार कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम पहली दफा आए। कहते हाँ, जिसने रात में सफर किया उसको तो पहली दफे लग रहा है। है एक रात का मैं सफर करा तो दूसरा मैं ताने भी सुना। तो आप अच्छे तरीके से भी कह सकते थे ना, आप नसीब होगी है ना, भलाई का तो कोई जमाना रहा ही नहीं। तो जी गाइस, नेक्स्ट हम स्टॉप करेंगे डीजल स्टॉप, और वहाँ पे नाश्ते के लिए कुछ लूंगा मैं भी, तब तक सायरा सो जाएंगी। तो सायरा जी आप हल्का फुल्का योगर्ट खा लें कुछ, या ब्रेड बढ़िए कुछ नाश्ता हल्का करके सो जाएंगे। मैंने हल्का फुल्के पॉपकॉर्न खा लिए, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बस सोने लगी। मैंने एप्पल ऑलरेडी खा लिया था और बस मैं सो गया। तो जी गाइस, हम यूटा को कहते हैं अलविदा, तो चलते हैं जी एरिजोना की तरफ। और कैलिफोर्निया एंटर होने से पहले ही हम डीजल डलवा रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में डीजल $5 के ऊपर है, तो इधर हमें भी $4 या $4.25 का मिल जाएगा। तो ये भी इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल रखना होता है, क्योंकि आगे जाके महंगा पड़ेगा, तो $1.50 कंपनी का $100-150 बच जाए। ओके जी, सी यू एट द ट्रक स्टॉप। Hours later. ले जी करें हम पहला डीजल स्टॉप, यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रेश भी हो जाऊँ और नाश्ता भी ले लूँ। सायरा तो गई है सो, और नाश्ते भी यहाँ पे है क्या? विंडीज में क्या लूँगा मैं, देखते कोई एग एंड चीज मिल जाए कुछ। चले जी गाइस, डीजल डलवा लेते हैं, मिलते हैं आपको। देखिए जी पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट कितना आता है, तो जरा सीजन है ना, मौसम है, ये देखे कितने लोग आए हुए हैं। यार मेरा खुद बड़ा दिल करता है इन पहाड़ों में वेकेशन के लिए आऊं,
अब ट्रक के ऊपर वेकेशन कैसे करें? करते हैं जिसका भी कोई इलाज। अपनी गाड़ी में आया बंदा जरा। ये भी एक तरीका जी शीशे साफ करने का, टायर के ऊपर चढ़ जाओ, तुहाडे हाथ नहीं पहुंचते। किन्नी बेचारे नूं मुश्किल करनी पैंदी होगी यार। अरे जी ये टूरिस्ट आए चाइना माल, तो वो मेरे ट्रक की तस्वीरें खींच रहे हैं, मेरे के अंदर से देख रहे हैं, कहता हाँ। मेरे जो अंदर से दिखाया बड़ा खुश हो रहा है, कहता वो इट्स लाइक अ एयरप्लेन। हाँ जी जहाज ही है, अभी ये देखिए कितनी खूबसूरत बस है। A few moments later, डीजल डलवा लिया, फ्रेश हो गए, नाश्ता सुबह सुबह सैंडविच खाने को दिल नहीं था कर रहा, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट मेन्यू ऑफ हो गया अभी, वो तकरीबन 10 बजे होता है, तो ये भी यहाँ पे हो गए 11 बज गए। तो बर्गर सुबह सुबह नहीं खा सकते, आगे रुक के जी देखते हैं कुछ और खाएंगे। ब्रेड तो सैंडविच वगैरह मैं खुद भी बना सकता हूँ, पड़ा हुआ इस ब्रेड और सैलेड पड़ा हुआ, तो अभी खास भूख भी नहीं है, तो ये डर्ट रोड आ गया। उसके बाद फिर स्ट्रेट हो जाएगा सीधे जी लास वेगास। पीछे कोलोराडो के पहाड़ छोड़ के आए, वहां पे ठंड थी, अभी देखे जी क्या है 95, आगे जाते जाते इसने 100 क्रॉस कर दिया ना जी, गर्मी बढ़ती जा रही। यार क्या पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया ना यार, देखने वाला है, मजा आ जाता है। इतने बड़े बड़े पहाड़ और इसमें से रास्ता बनाना बड़ी बात है। देखें जी कितनी मेहनत वाला काम होगा जी यहाँ पे रोड्स बनाना, ब्यूटीफुल। चेक करो यार वाह वाह क्या पहाड़ है यार, क्या नजारा है, आंखें खुश हो जाती जी। कमेंट करके बताएं जी ये नजारा कैसा है। एक दफा फिर जी हम पहाड़ों की सल्तनत से गुजर रहे हैं। यहाँ पे से जी हमारा आना जाना लगे रहता है, जितनी बार देखो मजा उतना ही है। इन पहाड़ों से गुजरना और इतना लंबा ट्रक जैसे ये गुजर रहा है इसको चलाना। ये देखें मोड़ देखें, ट्रक की लंबाई देखें,
ऐसे ट्रक को इन पहाड़ों में चलाना है अपने मजा है। गर्मी आ गई जी, अमेरिका वाले हो, कनाडा वाले हो, प्लान करो इन पहाड़ों के जी सफर करें, फैमिली ट्रिप प्लान करें, आपको नजारे आ जाएंगे। कितनी स्टेट्स आपको घूमने को मिलेंगी जी, आप कोलोराडो घूमे, यूटा घूमे, एरिजोना घूमे, नेवाडा घूमे, और दिल करता है आगे कैलिफोर्निया भी चले जाएं, मगर ये तीन चार स्टेट्स तो साथ साथ ही जी। गर्मी भी मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी, रात को तो ठंडे की होती है। ये देखिए यार क्या है, जबरदस्त पहाड़। रात को मौसम सर्द हो जाता है, कोलोराडो में तो सर्दी है काफी, पर यहाँ पे गर्मी है। ये देख रहे 98 हो गया, चार घंटे की ड्राइव के बाद एक और स्टॉप कर ले जरा। तो ये देखिए जी, स्विमिंग पूल जा रहा है, वाह, इसकी कमी रह गई थी, ओवरसाइज लोड है, पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ही भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाह यार, मान गए भी, छा गए भी। बस ये बड़ा क्विक सा एक स्टॉप करना है, ज़रा वॉशरूम से हुआ हूँ और मेरे पास ठंडी ड्रिंक नहीं पड़ी कोई, गर्मी बहुत है यार, पूरा देखे जी 100 टेम्परेचर है। A few moments later, यार एक घंटे बाद ये हाल होता जी, यार एक घंटे ड्राइव करो ना फिर यही हाल होता है। दो जी मैं लेके आया हूँ पिज्ज़ा, गॉड फादर्स पिज्ज़ा, सायरा को ये बहुत पसंद है, तो मैंने सायरा को जगा, उठो और पिज्ज़ा खा लो, ले लीजिए आगे फिर सो लो, ठीक है, चले जी जरा मैं पिज्ज़ा खा ले, दिखाओ तो सीज के लुक तो दिखाओ यार, पिज्ज़ा पास तो बीफ पिज्ज़ा चेक करो, बिल्कुल फ्रेश, चिकन ही था उनके पास, बिल्कुल फ्रेश। चलो जी मिलते हैं आप। 8 hours later. ले जी 8 घंटे की ड्राइव के बाद नॉन स्टॉप ही चलाई एक साहब जी यार। तो अभी हम जी शावर ब्रेक है, नहा ली, गर्मी बहुत ज्यादा 105, तो जी हम जरा शावर वगैरह ले लें तो उसके बाद बैठते हैं, क्योंकि हम क्या है 70 miles रह गए जहाँ पे इसको डिलीवर करना है, तो अभी टाइम है, तो पहले जरा खाना शाना खाएंगे, शावर लेंगे, उसके बाद देखते हैं इसकी डिलीवरी को, पहले जरा मत बाज की गर्मी से। चलो साइडा निकलो, गर्मी तोबा तोबा, साइडा जी लो जी आपको मिलते हैं जरा शावर के बाद। A few moments later. Hello. Hello जी, शावर ले लिया जी, फ्रेश हो गए हम। जी हम दुनिया पे आ गए जी। यार तो लू पैंदी पी लू। मैं कहना वा अखीर ही हो गई। एक तो थकावट इतनी, गर्मी इतनी, कुछ पूछो ही ना। कहने जी सर जी। बहुत ज्यादा गर्मी। चुके, चुके 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 इस वक्त हमें जी कैलिफोर्निया में तो लोड जहाँ डिलीवर करना है जी वहाँ पे 71 miles अवे, तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। पहले कम खा लेना खाना। हाँ खाना खा लेंगे, जरा बिरयानी साड़ी पे ही है बिरयानी नफी आई अभी, गर्मा गर्म बिरयानी चिकन ग्रिल है, ग्रिल चिकन है, बिरयानी
रायता हाय 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 ज़हरा जी ते भूख भी मैं कहना जोरा दी लगी है कुछ ना पूछो जी इस टाइम जिनी भूख है ना ओए ज़हरा जी आप नींद ठीक आई बस सही थी पढ़ा जी मैं सुता हूँ जिग जैग जी मैं सुता हूँ तुझे तो फिर भी काफी मैं सुबह उठ गई थी ना उसके बाद फिर मुझे इधर आ चलो जी खा के फिर मिलते हैं आपको सीओ जी खाना खा लेते गर्मा गर्म A few moments later हेलो जी वेलकम बैक हाँ जी जी खाना शाना खा के फ्रेश होकर जी हम लोग निकल आए हैं जी सफर पर और अभी तो 71 माइल से हम लोग जब निकले हैं अभी कामन जी 43 माइल्स रह गए तो गर्मा गर्म धूप के बाद जी शाम गर्मा गर्म मूड भी हो गया कामन जी गर्मा गर्म मूड क्यों है नहा के तो लोग होते हैं फ्रेश है? जो गया लड़ाइयां शुक्र है मेरे तो गर्मा गर्म मूड नहीं होया अच्छा हमने उस चक्कर में ना कहीं स्टॉप नहीं किया हमने अपना टाइम सेव किया है कि जितना टाइम सेव होता है सेव करते हैं तो देख ही रहे और आपको पता ही है कि हम लोग सिर्फ DOT वाली ब्रेक ही लेके के टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाए पहले पहुँच जाए ताकि लोड भी टाइम से उतर जाए और हमें रेस्ट भी मिल जाए तो इस बात पे उठा लिया जी कंपनी वालों ने फायदा जैसे पहुंचे भी नहीं है जनाब ते लोड पै गया ते जिनू वेख के ना बंदा कहंदा ना कि वट चढ़ गया चलो लोड भी तुसी पाना कैलिफोर्निया च पा दो हां ते ओ लोड की पाया थू 400 डेड माइल जाना जी फीनिक्स एरिजोना लो जी हम लोग ऑलरेडी कहते हैं कोई 2500 माइल करके आ रहा काम हम जी इस वक्त 2500 नॉनस्टॉप माइल्स करके आ रहे हां जी 2500 माइल्स करने के बाद हमने सोचा था कि जी रेस्ट करेंगे अच्छा सा प्रॉपर सो जाएंगे ताकि फ्रेश फ्रेश जो है ना कामर साहब पहाड़ों में से फिर निकल आए तो प्रोग्राम तो बढ़ गया नहीं वो मैंने कॉल की उनको मैंने सुनाई है कि बैठ के ख्याल करो नॉन स्टॉप आ रहे हैं चलो आज रात सुबह का डाल दो लोड 7, 8, 10, 11 जब तक डालना वो कहता है वो कि तरले में तब आ लग पे कहते यार वो ये लोड भी एमरजेंसी आपको दिया आपका नहीं देना आपकी मेहरबानी कि आपने ये ट्रक खराब हुआ आपने उठा लिया चले गए वो दूसरा लोड है वो हाई वैल्यू लोड है वो कहते हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते तो इस टाइम अवेलेबल जो है ऑन टाइम पे आप लोग हैं तो मैं कह जी आना भी छेती आना भी मुसीबत है कि जी जल्दी आ जाओ तो जो अवेलेबल है गया तुसी उन्हें दे दो तो खैर थोड़ा सा इस बात से हो गया जी मूड ऑफ के हमें ये लोड ड्रॉप करने के बाद राइड में निकलना पड़ेगा तो जी ऐसा भी कभी कभी सीन हो जाता है कि आप सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है नहीं वो तो बड़ा एक्सक्यूज कर रहे थे वो कह रहे थे प्लीज कर दे अगर नहीं कर सकते तो ठीक है हम कोशिश करते किसी और को मगर मसला ये ना कि हमने कभी ऐसा नहीं किया जब लोड मिल गया जहाँ भी काम किया जब लोड मिल गया हम उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते हालांकि जिन्ना मर्जी वट चढ़ दो गुस्सा उतार लिया सारा कुछ कर वो बड़े काम थे वो कहते यार बस कहते हो तो चेंज कर देते हैं मगर अगर कर दोगे तो मेहरबानी हम आपको अच्छा रेस्ट दे देंगे टिकट में मैंने कहा वो तो देना ही देना है वो मेरे रोक सकते हो तो ये सारी सूरत हाल है हमने फिर कर हाई वैल्यू लोड का मतलब जब आपने लोड पिक कर लिया तो 300 माइल्स के ही नहीं रुकना वो बोला था इंस्ट्रक्शन अब यहाँ से डेड माइल करके जाओ सुबह उठाओ उठाने के बाद आपने रुकना नहीं 300 माइल्स बस ये सूरत हाल है कि बस हमने सोचा कुछ था तो हुआ कुछ है आप कैलिफोर्निया आ जाए और वो भी टाइमली आ जाए तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ट्रैफिक ना मिले तो जी 39 माइल्स रह गए हैं और ट्रैफिक ब्रेक हो गुस्सा चढ़ गया और मैं भी कमर इस चक्कर में सही सोई नहीं मैंने कहा चल ठीक है सोना ही है ना रात को चलो ठीक है
चले जी कोई बात नहीं, ऐसा भी होता ही है। लेकिन चलो उन्होंने बोला है कि जो हमने सुबह उठाना है अर्ली, तो वो कहते कि चले हम नून में कर देते हैं। ये 1.5 माइल जाके सुबह वाला लोड पिक करके उसने टेक्सास जाना है, तो ये टोटल मिला के पता कितना 4,000 माइल्स बन जाएंगे नॉन स्टॉप, साल इतने बगैर नॉन स्टॉप। इसका मतलब नॉन स्टॉप मतलब सिर्फ ये नॉर्मल ब्रेक्स जो आप देखते हो, खाने के लिए रुके, शावर के रुके, सिर्फ सिर्फ ये ब्रेक, कोई इसमें प्रॉपर स्लीप नहीं, कुछ नहीं। स्लीप वही है जी जो आपने ट्रक में चलते ट्रक में सोना है। तो वो मैं इस बात पे बोला उनके साथ कि ख्याल करो, वो कहते नहीं हमें भी वी अंडरस्टैंड कि आप ये 4,000। अब आप अगला बंदा इतने अच्छे तरीके से आपसे बात करे, इतने पोलाइटली, फिर क्या बंदा उसको भी कहेगा यार। वो आगे से एक्सक्यूज करी जा रही, या तो आगे से वो तू तड़ा करे, तो फिर तू क्या करके जाना किसी से। तो बस फिर वो इतने नाइसली बात कर रहा था, एक्सक्यूज कर रहा था। हालांकि देखिए हमें फोर्स डिस्पैच नहीं कोई करवा सकता। फोर्स डिस्पैच मतलब कि कोई अगर लोड डाल दिया तो ये नहीं कि हमने उठाना ही उठाना है। उन्होंने कहा जी आप हमें 6 घंटे पहले, अगर आपको लोड मिल गया तो 6 घंटे पहले आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, मगर हमें 6 घंटे का एटलीस्ट टाइम देना कि आप नहीं उठा सकते। तो ये अभी भी उन्होंने दिया है, 1 घंटा हुआ, तो इसको तो आप इजीली रिफ्यूज कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा यार हमें हमसे नुकसान नहीं देखा जाता, अब शायद उनके पास कोई और ड्राइवर नियर बाय ना हो, हम ही हो जो 400 रेड माइल्स हमसे करवा रहा है, इसका मतलब कोई और ड्राइवर नहीं होगा। तो कुछ सिचुएशन गुस्सा तो आता है, मगर हमें भी समझनी चाहिए कि ऐसा भी होता है। तो ये फील्ड ऐसी है कि आपको फिर बस कॉम्प्रोमाइज कभी कभी करना पड़ जाता है, चीजों को देखना पड़ जाता है। क्या हम लालच नहीं करते, हालांकि माइल्स ज्यादा करेंगे तो पैसे ज्यादा बनेंगे, वो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे तो बन जाएंगे तो सेहत का ख्याल भी तो रखना है ना, वही पैसे एक्स्ट्रा सेहत पे लगा दो बाद में। आप इमेजिन करो यार 4,000 माइल्स नॉन स्टॉप करना। कॉमन किलोमीटर कितने बनते हैं? 4,000 किलोमीटर बने जी 16-16 तकरीबन 6,500 किलोमीटर। और मैं भी चलते ट्रक में सो रहा हूँ, ये भी ड्रॉप करेंगे, फिर मैं चलते ट्रक में सोऊंगा, फिर सायरा सुबह चलते ट्रक में सोएंगी, फिर जब टैक्सी से लोड मिलेगा उसमें भी हम चलते ट्रक में सोएंगे। मतलब कि पिछले 4 दिनों में हम चलते ट्रक में ही सो रहे हैं। तो जो तो ड्राइवर्स हैं उनको पता है, जो ट्रक वाले हैं, कि ट्रक में पीछे सोना क्या सूरत हाल है। में ट्रक में पीछे सोना बस समझोगे तुसी। आए जी चलो जी, ऐसी दुख भरी दास्तान मिस्टर ते मिसेस जान दी। नजर नहीं आ रहा पुत्रे, काले लग रहे हो। काला उंज भी हो गया, धुप खा खा कह ली थी। तो मिलेंगे जी आपको कल एक नई सिटी में, फिनिक्स एरिजोना में, और वहां से हम जाएंगे टेक्सास। वो भी एक अच्छा राउट है, मे भी अगर हम फ्लैगस्टाफ एक सिटी है एरिजोना की वहां से गुजरे तो वो भी बहुत खूबसूरत नजारा। चले जी मिलेंगे हम आपको कल नए दिन में नए सफर के साथ। तो जाने से पहले जी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स कर दे, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें जी। हमें इजाजत दीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।